औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाउ स्टार्ट द वर्ड मीनिंग फॉर एनएनसी एंड फाइव। फर्स्ट वर्ड इमेजिन, तसव्वुर करना। इमेजिन तसव्वुर करना। इमेजिन तसव्वुर करना। रिपीट आफ्टर मी, इमेजिन तसव्वुर करना। इमेजिन तसव्वुर करना। स्क्यूरिंग, तेज तेज चलना। स्क्यूरिंग, तेज तेज चलना। रिपीट आफ्टर मी प्यारे बच्चों, स्क्यूरिंग तेज तेज चलना। स्क्यूरिंग तेज तेज चलना। नेक्स्ट वर्ड ग्रिंड। नेक्स्ट वर्ड ग्रिंड, दांत पीसना। ग्रिंड ग्राइंड, दांत पीसना। ग्राइंड दांत पीसना। रिपीट आफ्टर मी ग्राइंड, दांत पीसना। नेक्स्ट वर्ड ग्लिस्टन, रह रह कर चमकना। ग्लिस्टन रह रह कर चमकना। रिपीट आफ्टर मी प्यारे बच्चों, ग्लिस्टन रह रह कर चमकना। नेक्स्ट वर्ड बिनीथ, नीचे। बिनीथ नीचे, बिनीथ नीचे। रिपीट आफ्टर मी, बिनीथ नीचे। बिनीथ नीचे, बिनीथ नीचे। नाउ प्रीवियस वर्ड इमेजिन, तसव्वुर करना। स्क्यूरिंग, तेज तेज चलना। ग्राइंड, दांत पीसना। ग्लिस्टन, रह रह कर चमकना। बिनीथ नीचे। रिपीट आफ्टर मी स्टूडेंट्स, इमेजिन तसव्वुर करना। स्क्यूरिंग, तेज तेज चलना। ग्राइंड, दांत पीसना। ग्लिस्टन, रह रह कर चमकना। बिनीथ नीचे, बिनीथ नीचे। नाउ कंप्लीट द वर्ड मीनिंग्स। इट डिड नॉट बॉदर एनएनसी टू मच बिकॉज ही न्यू देयर वुड बी प्लेंटी मोर चांसेस फ्रॉम हिम टू ट्राई हिज ट्रिक आउट। एनएनसी इस बात से ज़्यादा परेशान ना हुआ क्योंकि वो जानता था कि अपना चक्कर चलाने के इसे और भी बहुत मौके मिलेंगे। He imagined what delicious foods he would find. इसने तसव्वुर किया कि इसे कौन कौन से मज़ेदार खाने मिलेंगे। He did not imagine taking any to his hungry children. इसने इन में से किसी एक को भी अपने भूखे बच्चों के पास ले जाने के बारे में नहीं सोचा। He was going to eat as much as he could fit in his stomach and then come back and try the trick again on other day. इसने इसके पेट में जितना समा सके वो इतना खाना चाहता था और फिर किसी और दिन वापस आकर यही चक्कर आजमाना चाहता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, आइस क्यूरिंग साउंड पुल्ड एनएनसी आउट ऑफ हिज डे ड्रीम। तेज तेज कदमों की आवाज़ ने एनएनसी को इसकी खुली आंखों के ख्वाब से बाहर खींच लिया। It was Mrs. Shrew. ये बेगम श्रू थी। On her tiny back, she had a huge lot of freshly. अपनी नन्ही सी कमर पर उन्होंने ताज़ा बनी हुई कचौरियों का बड़ा सा बोझ उठा रखा था। Made pies that she was hoping to sell. जिन्हें वो फरोख्त करने की उम्मीद लगाए हुए थी। She lord was three times
Her size and her face was red from the effort she was making. बोझ इनकी जिसामत से तीन गुना ज़्यादा था और इन्हें जो कोशिश करना पड़ रही थी इसकी वजह से इनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ओह लेडी श्रू, ओह मोहतरमा श्रू, हो नाइस टू सी यू, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। सिट अ वाइल एंड रेस्ट, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और आराम कर लीजिए। आई नीड योर हेल्प टू काउंट माई प्लांट्स एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी। मुझे अपने पौधे गिनने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है और आप अपनी दानिश मेरे साथ बांट सकती हैं। अनैंसी ग्रैंड एंड शो ऑल हिज शार्प टीथ। अनैंसी मुस्कुराया और अपने तमाम तेज धार दांतों की नुमाइश की। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू ईट ऑल द पाइस। वो दिल मोह लेने की भरपूर कोशिश कर रहा था क्योंकि वो बड़ी शिद्दत से ये तमाम कचोरियाँ खाना चाहता था। नेक्स्ट, मिसेस श्रू वॉज नॉट अ फूल। जो मिसेस श्रू थी वो अहमक नहीं थी। शी कुड सी अनैंसी आईज ग्लिस्टन एज ही लुक्ड एट द पाइस। वो कचोरियों पर नज़र डालकर अनैंसी की आंखों को चमकता देख सकती थी। वेल अनैंसी यू आर काइंड। अनैंसी तुम मेहरबान मिजाज हो। आई एम ट्राइड। मैं थकी हुई हूँ। शी पुट डाउन हर लोड। उसने अपना बोझ उतार कर नीचे रखा। हाउ कैन आई हेल्प। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। I cannot count he laid. मैं गिनती नहीं कर सकता, इसने झूठ बोला। Can you count my amounts for me? क्या मेरे कचालू के ढेर मेरे लिए गिन सकती हैं? Mrs. Shrew smiled. Mrs. Shrew जो हैं वो मुस्कुराई। She walked to the nearest mound and stood on it. वो नज़दीक तरीन ढेर के पास पहुँची। शी पॉइंटेड टू द माउंड दैट वॉज फर्दरेस्ट वे फ्रॉम हर। 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन, शी सेड क्लियरली। उन्होंने सब से दूर पड़े ढेर की तरफ इशारा किया। 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन, शी सेड क्लियरली। उन्होंने सबसे दूर पड़े ढेर की तरफ इशारा किया। 1, 2, 3, 4 और ये वाला, उन्होंने वाजिया अंदाज में कहा। अनैंसी फ्राउन्ड। Do it again. Say all the numbers, he said. अनैंसी ने माथे पर बल डाले। दोबारा कीजिए, तमाम अदाद बोलें, इसने कहा। 1, 2, 3, 4 and this one that I am sitting on. Mrs. Shrew spoke slowly and clearly. 1, 2, 3, 4 और ये जिस पर बैठी हुई हूँ। बेगम श्रू ने आहिस्ता आहिस्ता और वाजिया अंदाज में कहा। A flush of anger passed over Anansi's face. अनैंसी के चेहरे पर गुस्सा चमका। Come on, चलें भी। Say them properly. He was finding it difficult to keep a smile on his face.
इन्हें ठीक तरह से कहिए, इसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। अगेन मिस्टर श्यू स्माइल्ड स्वीटली एंड काउंटेड स्लोली, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन हेयर। एक बार बेगम श्रू बड़े प्यार भरे अंदाज में मुस्कुराई और आहिस्ता आहिस्ता गिनती की, 1, 2, 3, 4 और ये वाला। शी पॉइंटेड टू द मॉन बिनिथ हर फीट। उन्होंने अपने कदमों के नीचे मौजूद ढेर की तरफ इशारा किया। अर्गे से आई 1, 2, 3, 4, 5। एक बार फिर बेगम श्रू बड़े, उन्होंने कहा 1, 2, 3, 4, 5। शाउटेड अनेंसी, अनेंसी चिल्लाया। इंस्टेंटली इन अ बिग ब्रस्ट ऑफ स्पार्क ही डिसअपीयर्ड। अनेंसी चिल्लाया, यकायक चिंगारियों के झुमके के साथ वो गायब हो गया। मिसेस श्रू पिक्ड अप हर लोड एंड सेट ऑफ द मार्केट। मिसेस श्रू ने अपना बोझ उठाया और मंडी की तरफ चल पड़ी। शी वुड सेल दीज पाइस, वो बेचना चाहती थीं कचोरियों, बेचने गई कचोरियों को, एंड बाय माउथ वाटरिंग डिलीशियस फॉर हर फैमिली। वो इन कचोरियों को बेचने और अपने घर वालों के लिए मुंह में पानी लाने वाले मज़ेदार पकवान खरीदने वाली थी। नाउ कंप्लीट द लास्ट यूनिट, लास्ट पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ।